अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। दिस इज साद अहमद और इस वीडियो में मैं करूंगा कैमरा कंपैरिजन बिटवीन टू ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड मिड रेंज डिवाइसेस, या आप इनको एंट्री लेवल डिवाइसेस भी कह सकते हैं, जिनमें से द फर्स्ट वन इज इनफिनिक्स हॉट 10। 6GB और 128GB वाला वेरियंट आपको मिल जाएगा 25,000 रुपए के अंदर। और द सेकेंड वन इज रियलमी C17। 6GB और 128GB वाला वेरियंट आपको मिल जाएगा 32,000 रुपीज में। यानी कि दोनों डिवाइसेज में ऑल दो 7,000 का फर्क है, लेकिन स्टिल आई फिगर्ड आउट कि कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से देर आर मेनी सिमिलैरिटीज। और क्योंकि काफी लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि काइंडली कंपेयर दीज टू फोन स्पेशली फ्रॉम द कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू, तो हियर इट कम्स। सो दोनों फोन्स की बैक पर मिलते हैं आपको चार कैमराज। रियलमी C17 में मेन कैमरा 13 MP का है, जबकि इन्फिनिक्स हॉट 10 के अंदर 16 MP का है। रियलमी C17 के अंदर एक एडवांटेज है कि आपको अल्ट्रा वाइड का एक 8 MP का एक्स्ट्रा लेंस भी मिल जाता है, वेयर एज इन्फिनिक्स हॉट 10 के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं मिलता, बल्कि उसकी बजाय QVGS सेंसर जो कि लो लाइट सेंसर कहलाता है वो आपको मिलता है, जो कि स्पेशली लो लाइट के अंदर काम आता है। अदर देन दैट आपको दोनों फोन्स के अंदर दो दो कैमरा सेंसर्स मिलते हैं, जिनमें से 2 MP के मैक्रो कैमरा सेंसर और पोर्ट्रेट के लिए डेप्थ सेंसर। दोनों फोन्स के अंदर बैक कैमरा के थ्रू आप 1080p 30fps तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और फ्रंट कैमरा भी 1080p 30 FPS की रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। दोनों फोन्स की कैमरा क्वालिटी साइड बाय साइड कंपैरिजन में कैसी है ये आप खुद ही देख लें। So guys, these are the front cameras of both the phones. दोनों phones में recording हो रही है इस time 1080p 30 FPS पर। वेल मुझे तो टू बी ऑनेस्ट दोनों फोन्स की क्वालिटी तकरीबन बराबर ही लग रही है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर आपको फ्रंट कैमरा 8 MP ही का मिलता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ कि रियलमी C17 के अंदर थोड़ा सा स्लाइटली ओवर एक्सपोज और अंडर एक्सपोज, मतलब एक्सपोजर ऑटोमेटिकली कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है। मे बी आई थिंक इट्स अ सॉफ्टवेयर इशू जो कि आई थिंक फ्यूचर अपडेट्स में फिक्स हो जाएगा। सो लैंडस्केप में इन्फिनिक्स हॉट 10 की परफॉर्मेंस कुछ ऐसी है, और लैंडस्केप में C17 की परफॉर्मेंस कुछ ऐसी है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको इन दोनों फोन्स में से किसकी क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा बेहतर लग रही है।
So this was the side-by-side camera comparison of both of these phones. And to be honest, मेरे point of view से I think Infinix Hot 10 is pretty good in this price range, क्योंकि आपको 7000 कम के बावजूद आपको कैमरा क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम ही मिलती है. So yes, अगर आपके पास 25,000 से 30,000 रुपए का बजट है फॉर योर न्यू फोन, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर Hot 10, क्योंकि Hot 10 इज अ प्रीटी गुड चॉइस इन दिस बजट. So stay tuned for more reviews and more comparison. Subscribe to our channel. Take care. Allah Hafiz.